गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन करेंगे वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिजिट नंबर्स। ओके, मल्टीप्लिकेशन विदाउट कैरी ओवर। एग्जांपल दे रखा है आपको, मल्टीप्लाई 23 बाय 3। अब इधर देखिए, आप कॉलम में ऐसा कॉलम बनाएंगे, आप पहले इधर वंस, फिर टेंस, 23 राइट करेंगे और फिर 3 राइट करेंगे। तो सबसे पहले अपन वंस की डिजिट से स्टार्ट करेंगे। ओके ना, तो पहले 3 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 की टेबल कितने टाइम बोलेंगे आप? 3 टाइम बोलेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो क्या राइट किया मैंने यहाँ पे? 9। ओके, फिर आपको 3 की टेबल 2 टाइम बोलनी है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो आपका आंसर क्या आया? 69। अब देखिए, ये स्पॉट चेक वाला क्वेश्चन, 45 को आपको 1 से मल्टीप्लाई करना। तो पहले अपन ऊपर 45 राइट करेंगे और नीचे 1 राइट करेंगे। अब 1 की टेबल 5 टाइम बोलनी है, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5। तो यहाँ आया 5। फिर आपको 1 की टेबल 4 टाइम बोलनी है, 1 4 जा 4। ओके, तो क्या आया यहाँ पे? 45। अब यहाँ लिखा है आपको 21, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 3 से। पहले इसे बॉक्स बनाएंगे, ऊपर वंस में 1 लिखेंगे और टेंस में 2 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ओके, तो 3 की टेबल बोलिए 1 टाइम, 3 1 जा 3। ओके, अब इस 3 को देखिए, इस टेंस वाली डिजिट है ना 2, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 की टेबल 2 टाइम बोलिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। यह क्या आया? 63। ओके, अब अपन स्टार्ट करेंगे आज एक्सरसाइज 6। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग एंड राइट द प्रोडक्ट इन द टेबल। इसमें ए वाला दे रखा है आपको, 56 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 से मल्टीप्लाई करना है। पहले आप ऐसा बॉक्स बनाएंगे, ओके, फिर इधर वंस और इधर क्या लिखेंगे? टेंस राइट करेंगे। अब 56 में 6 तो है वंस और 5 क्या है? टेंस। मल्टीप्लाई किससे करना है? 1 से करना है, तो उसको नीचे राइट करेंगे। अब अपन स्टार्ट करेंगे वंस से। तो वंस में जो 1 है, नीचे वाली जो डिजिट होती है उसकी टेबल बोली जाती है कितने टाइम? जो ऊपर वाली डिजिट होती है उतने टाइम। यानी कि 1 की टेबल आपको कितने टाइम बोलनी है? 6 टाइम बोलनी है। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6। तो मैंने यहाँ क्या राइट किया? 6। ओके, अब आपको 1 की टेबल कितने टाइम बोलनी है? 5 टाइम बोलनी है। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5। तो यहाँ 5 राइट किया। आपका आंसर क्या आया? 56। ओके, बी वाला देखिए, 22 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से। पहले ऐसा बॉक्स बनाएंगे, वंस की डिजिट में 2, टेंस की डिजिट में भी 2। मल्टीप्लाई किससे करना है? 4 से करना है, यानी कि आपको 4 की टेबल बोलनी है। पहले तो 4 की टेबल जो वंस में जो डिजिट दे रखी ऊपर, तो ये 4 की टेबल आपको कितने टाइम बोलनी है? 2 टाइम बोलनी है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब वापस इस 4 को लीजिए, नीचे वाली डिजिट को कितने टाइम? 2 टाइम। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो यहाँ क्या आंसर आया आपका? 88। अब देखिए, सी वाला है, 14 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। बॉक्स बना लीजिए, इधर 14 राइट करिए और नीचे 2 राइट करना है। तो पहले 2 की टेबल स्टार्ट करेंगे, 2 की टेबल कितने टाइम? 4 टाइम, 2 4 जा 8। फिर 2 की टेबल 1 टाइम, 2 1 जा 2। तो आंसर आया 28। तो आज आपको ये क्वेश्चन गुड हैंड राइटिंग में, तीनों क्वेश्चन ए बी और सी एक्सरसाइज 6 का गुड हैंड राइटिंग में अपनी नोटबुक में राइट करना है। थैंक यू।